ये देखो जी, ये है जी सिकंदरी रान। अभी सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है इसका है भाई, वो अरब वाली फीलिंग आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज धूप जो है वो अच्छी खासी निकली हुई है, बड़ी जबरदस्त धूप निकली है। आज चूजे और बजीर जो है ना वो मजे करेंगे। गाड़ी देखो कितनी ज्यादा गंदी हो गई है, बहुत कीचड़ है गाड़ी में। तो आज गाड़ी भी वॉश करेंगे अच्छे से, घर में काम भी चल रहा है वो भी करेंगे, और चूज़ों को धूप में भी रखेंगे और बजीज को भी। पहले मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, सुबह सुबह कॉफ़ी होनी होनी चाहिए, इससे आंखें खुल जाती हैं भाई। एक से कुछ नहीं होता, अच्छा तो इसमें दो ना जाए। कॉफ़ी रेडी है जी, मॉर्निंग में आंखें खोलने के लिए ये तो ज़रूरी है, चाय या कॉफ़ी। वैसे कॉफ़ी ज़्यादा बेटर है। बजीज को धूप में रखते हैं और चूज़ों को भी खोल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये दोनों अभी ढके हुए हैं, कल मैंने इनके लिए मटके भी लाए थे, ये वाले मटके लाए थे, तो इसमें ये अंडे देंगे फिर बाद में। बजीज या और कोई भी पैरेट दो लाए थे, तो अभी पहले बजीज को खोलते हैं। बिस्मिल्लाह। नहीं 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 नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। ये देखो बिल्कुल ठीक है और एक्टिव भी है। आ जाओ जी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। इनको थोड़ा सा धनिया दे देते। गुड मॉर्निंग गाइस। खाओ जी, मजे करो। क्या हो गया? अरे दे रहा हूँ आपको भी, दे रहा हूँ, सब्र करो, रुको। बजीज को मैंने डायरेक्ट धूप में रख दिया है, थोड़ी देर इनको धूप लगना भी ज़रूरी है। तो अब ये थोड़ा तो भी देखो आवाज़ें करना भी स्टार्ट कर दें। चूज़ों को भी खोल देंगे, थोड़ा यहाँ से सफाई कर देंगे, ये दाना पड़ा है तो ये इस पर मुँह मार के सारा साफ कर देंगे। चलो जी आ जाओ बाहर, चलो जी बाहर आ जाओ। इनका काम ठीक हो गया, ये अभी बाहर नहीं आ रहे, तो तब तक मैं जी गाड़ी धो लेता हूँ जब तक इनका मूड हो जाएगा बाहर आने का। वाटर पंप इधर रखा है, प्रेशर वॉशर, तो वॉश कर लेते हैं गाड़ी को। ये देखो कीचड़ कितनी है यहाँ से, और ये इसका कमाल देखो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूं जो कि आए हैं मामाअर्थ से। मेरी स्किन ऑयली है जिसे पिंपल्स और ब्रेकआउट्स होते हैं, मैं चाहे कितनी बार फेस वॉश करूं लेकिन ये ऑयल रिड्यूस होने का नाम ही नहीं लेता। और समर्स में तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है कि स्वेट की वजह से सीबम और ऑयल जो है वो और ज्यादा आ जाता है और इससे डलनेस और ब्रेकआउट्स इंक्रीज हो जाते हैं। मामाअर्थ ने लाया है मामाअर्थ मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। इसमें है मुल्तानी मिट्टी और बल्गेरियन रोज, और इसको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। मेरे एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा विदाउट ओवर ड्राइंग माई स्किन। इसमें गुडनेस ऑफ मुल्तानी मिट्टी, बल्गेरियन रोज, नियासिनामाइड और विटामिन ई। एक नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है और टॉक्सिन फ्री है, डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ये हर किसी स्किन टाइप पे सूट करता है और इसमें ना तो पैराबिन और ना ही हार्मफुल केमिकल्स। और इसी रेंज में इनका आता है जी मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, जो कि सुपर कन्वीनियंट है और रेडी टू यूज है, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी जो है ये एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑयल और फाइट करता है एक्ने से। बल्गेरियन रोज जो है ये प्रमोट करता है हाइड्रेशन को और सेव करता है स्किन को फ्रॉम ओवर ड्राइंग। नियासिनामाइड आपको इवन स्किन टोन देगा, विटामिन ई लॉक करेगा मॉइस्चर को और प्रमोट करेगा इवन स्किन टोन को। अभी आप मामा से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपके प्रोडक्ट को एक ट्री के साथ लिंक करते हैं जिसको प्लांट करेंगे। इनका ये इनिशिएटिव है बट 2025 ये 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है मामा के प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, लेकिन अब ये आपको आपके नजदीकी
ऑफलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल मिलेंगे। जब भी आप कोई मामाअर्थ का स्टोर देखें तो मुझे कमेंट या मैसेज जरूर से कीजिएगा। अगर आप ये प्रोडक्ट मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से परचेज करते हैं तो मेरा कोड Idris2023 जरूर से यूज करना ताकि आपको 20% का डिस्काउंट मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज मोमिन भाई जा रहे हैं जी घर, क्योंकि इनको स्कूल जाना है मंडे से या कल से, मंडे से तो इनको स्कूल जाना है, इस वजह से ये जा रहे हैं जी घर। और मैं जा रहा हूँ जी संग्रामा, क्योंकि आज नेक्सा पे एक गाड़ी लॉन्च होनी है, इनॉग्रेशन है शायद, तो वहां जाना, क्या नाम है गाड़ी का, फ्रॉन्क्स ऐसा कुछ, मुझे अच्छे से पूरा नहीं पता, तो वहीं जाके इंशाल्लाह पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, आज धूप भी मस्त है, मस्त धूप है, अच्छी गर्मी है, तो अभी मिलते हैं जी जम्मू पे ही। अभी तक जितने भी बर्ड्स मैंने लाए उनको हैंडल जो है मोमिन भाई करते थे, पकड़ना था आपको करना है, क्योंकि मुझसे नहीं पकड़ा जाता, मैंने मुझे बहुत ज्यादा फोबिया है, तो इंशाल्लाह एक दो दिन में मैं कोशिश करूंगा ये फोबिया निकालने की। फिर तो आप एक फोबिया छोड़ोगे नहीं। क्या सुना फ्रॉन्क्स गलत माना वैसा बलिनो दी वापसी तो मैं परफेक्ट। क्रूज कंट्रोल वगैरह को इम पता कैंपिंग सामान सॉरी फुल डियर ना बेस पे स्टार्ट कसा बेस पे कसा फुल लाइट स्टार्ट अलहमदुल्ला जी यहाँ से निकल गया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास, जुबैर भाई के पास, तो वहाँ पे कुछ काम है उनके घर पे जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो देखते हैं वहाँ पे नजर देते हैं और फिर वापस घर की तरफ जाते हैं, क्योंकि घर में भी काम चल रहा है, तो मैं लाइफ इतनी बिजी हो गई है क्या बताऊँ मैं, तो अभी वही मिलते हैं। काम कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ से आप नज़ारा चेक करो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, वाइड एंगल में दिखाता हूँ, खूबसूरत खूबसूरत। मैं घर वापस आ गया था और अभी हो रहे हैं जी 25 और अभी मैंने जैकेट वगैरह पहन लिया, वो इसलिए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, और मैं जा रहा हूँ अभी नोश पे, जुनैद भाई को कॉल है कि उन्होंने कुछ नया बनाया है तो वो ट्राई करना है, उसका टेस्ट करना है, अप्रूव करना है ना, तो अप्रूव करके ही फिर मार्केट में आएगा, तो अभी जाते हैं उसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा बना है। अभी जी मैं पहुँच गया हूँ नोश और देखते हैं क्या स्पेशल बना है आज, कुछ तो होगा भाई। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी मोहितो से, तो याद क्या शिया थी इसमें बर्मेन स्पेशल मॉकटेल, वेरी यूनिक, वेरी तीन फ्लेवर तो मैं वो फील कर रहा हूँ, मिंट भी आ रहा है, वो लेमन का टेक्सचर भी आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, ये पर्पल क्या है ये क्या है। तो जी शाम से सुबह हो गई और सुबह से दोपहर हो गई और रान जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई, कल एक्चुअली मुझे जाना पड़ा, बहुत कुछ काम था तो मुझे जाना पड़ा, तो आज जो है रान बिल्कुल तैयार हो गई, इसका नाम है सिकंदरी रान जो हम ट्राई करने वाले हैं। ये देखो जी ये है जी सिकंदरी रान, अभी सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है इसका है वो है कि टेंडरस मीट, ठीक है, तो वो ट्राई करेंगे बिल्कुल जी, ये देखो परफेक्ट परफेक्ट, इसका उसमें पन बाइट अत कर दी, इसका लाइक न पाए, थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा ये, थोड़ी सी चटनी, तस ये मज़ रहा उसका सा कम है बस, तो ये बाइट रेडी है, अब ट्राई करते हैं। भाई वो अरब वाली फीलिंग आ गई है, जैसे अब्दुल मालिक फरीद भाई उनके सामने एक पूरा दुम्बा होता है, पूरा बेड होता है इसके ऊपर, पूरा ऊंट उखा जाता है, तो ये तो फिर भी एक रान है लेकिन वो पूरी अरब वाली फीलिंग आ रही है, परफेक्ट परफेक्ट। एक बाइट जो है वो लेमन के साथ तो बन रही है,
अरब शेख वाली फीलिंग आ रही है।